हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुबह के बज चुके हैं 5 और हमेशा की तरह दोस्तों हम लोग जो है हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है मात्र 15 मिनट के अंदर दोस्तों आज के महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो एनटीपीसी के द्वारा क्वेश्चन है वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको दोस्तों कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कि मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आज का अपना कोट ऑफ द डे जो कि है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। बिल्कुल सच बात है जो कि दोस्तों यहाँ पे बोली गई है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल लो, आपके सोचने समझने के तरीके को बदल लो। यकीन मानिए आप जो अचीव करना कल चाहते हैं ना, कल क्या चाहते हो आप, कोई भी चीज क्यों आप पाना चाहते हो हैप्पीनेस के लिए, वो खुशी आपको आज ही मिलने लगेगी अगर आप अपनी थोड़ी आदतें सुधार लेंगे, अगर आप दूसरों से जेलस होना बंद कर देंगे, अगर आप अपनी सिर्फ आपको अपनी लाइफ से मतलब होगा तो यकीन मानिए दोस्तों आपका एम जो है वो भी आप पाओगे और साथ में आपको कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप घर बैठे अनअकैडमी प्लस में तैयारी कर सकते हैं। 10% ऑफ भी आपको मिल जाता है, बस आपको BHU10 या BHU10 रेफरल कोड लगाना होता है। SSC में इंडियन ज्योग्राफी की मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 2-3 दिनों के अंदर, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। पहली क्लास से ज्वाइन करिएगा क्योंकि कंप्लीट GK मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस प्लस स्टैटिक GK। मेरे अलावा मैथ रीजनिंग इंग्लिश की भी सारे टीचर की सारी क्लासेस आपको मात्र 450 रुपए पर मंथ में मिल जाएगी। UPSC के अंदर भी मेरा 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस के लिए चल रहा है, प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल की पूरी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप BHU10 काम में ले सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों 10 बजे वाली क्लास में भी, क्योंकि आज है अपना 3 मंथ चैलेंज का ज्योग्राफी डे और अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास के ऊपर। ओके, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जबरदस्त क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज लाइकली टू बिकम इंडिया प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ, किसके बारे में, वेनेडियम। तो वेनेडियम के जो प्राइम प्रोड्यूसर है दोस्तों वो इंडिया में कौन बनने वाला है, वो बनने वाला है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इज लाइकली टू बिकम इंडिया प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम। ओके, वेनेडियम क्या है, केमिकल एलिमेंट है, सिंबल V होता है, एटॉमिक नंबर 23 होता है, बहुत ही हार्ड होता है, सिल्वरी ग्रे होता है मतलब, ओके, बहुत ही रेयरली फाउंड मिलता है मतलब नेचर के अंदर, और स्टील को टाइटेनियम को मजबूती देने में बहुत काम आता है, चाइना के अंदर, रशिया में, साउथ अफ्रीका में काफी देखने को मिलता है। ठीक है, अरुणाचल की बात करें तो 25 डिस्ट्रिक्ट, BD मिश्रा जी गवर्नर, पेमा खांडू जी CM है, 60 विधानसभा, 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा की सीट है। 87 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को नॉर्मली ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट भी दोस्तों कहा जाता है। हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कैंगटोक नाम से है जो कि तिब्बत के साथ में जिसको शेयर किया जाता है। ओके, चलिए इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड जो एग्रीकल्चर का है वो यहाँ पे झूम है, लिटरेसी रेट 66% के आसपास है जो कि बहुत ही लो है, और आपको मालूम है यहाँ पे नागालैंड में, अरुणाचल में इंग्लिश जो है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि चलती है। निम्नलिखित में से कौन स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम के दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण करेगा, क्या नाम है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, आंसर क्या हो जाएगा, नासा आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा मोस्ट पावरफुल रॉकेट है दोस्तों जो कि ये लेके आने वाला है, इसका नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है वो रखा गया है। ओके, इसके अंदर फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन भी दोस्तों मून के ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल है, 25 इंजन के बराबर पावर है। ओके, 17,000 mAh की स्पीड से ये जाएगा। ओके, और ये आपको ह्यूमन को मार्स तक भी दोस्तों लेके जाने को लेकर बोला जा रहा है, 2024 में मून पे लेके जाया जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने तापस UAV मानव रहित हवाई वाहन के लिए वापस लेने योग्य लैंडिंग गियर सिस्टम विकसित किया है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अनमैंड एरियल व्हीकल की तो ये DRDO के द्वारा दोस्तों बनाया गया है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ये क्या है, टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलियंस बियॉन्ड होरिजन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको रुस्तम 2 के नाम से भी जाना जाता है, पेपर में पूछेंगे क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा अनमैंड एरियल व्हीकल है, अमेरिका के जो ड्रोन है ना उसी के लाइन पे इसको जो है डेवलप करे गए थे, TAPASN का नाम है। DRDO की बात करें 58 में फॉर्मेशन हुआ, सतीश रेड्डी जी यहाँ पे चेयरमैन है और दिल्ली के अंदर इनका हेडक्वार्टर है।
निम्नलिखित में से किसे बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बिम्स्टेक की बात करें तो महासचिव किसको? तेंजिन को दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली बनाया गया है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे 7 कंट्रीज है जो कि इसके अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ओके, बिम्स्टेक एक तरीके से सार्क का और एक तरीके से एशियान के का बीच का मॉडल है, जिसमें से आपका थाईलैंड वाईलैंड जो है आपका आ जाता है यहाँ से, क्या नाम है, ईशान से, और सार्क से ये वाले कंट्रीज है जो कि देखने को मिलता है। हाल ही में अभिलाष टॉमी रिटायर हुए, वह डैश का हिस्सा थे। तो अभिलाष टॉमी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त पर्सन रहे इंडियन नेवी के अंदर, इन्होंने काफी टाइम तक सेवाएं दी और ये अभी वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट जो एक रेस होती है नेविगेशन रेस, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ओके, लास्ट टाइम गोल्डन ग्लोब नेविगेशन रेस में इनको इंजरी हो गई थी, काफी टाइम लगा, डॉक्टरों ने मना किया, काफी मेहनत करते करते चल पाए और वापस से इसके अंदर पार्टिसिपेट दोस्तों 2022 के अंदर करने वाले हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में फिल्मी उद्योगों की मदद के लिए सिनेमाघरों के लिए मनोरंजन कर हटा दिया है? तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, आपको मालूम है एंटरटेनमेंट सिनेमा जो था आपके थिएटर वेटर बहुत ही नुकसान हुआ है उनको पिछले एक साल के अंदर, तो इसलिए जो है उन्होंने टैक्सेस हटा दिए। किसने दोस्तों? केरला ने, ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। 50% जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है वो भी कम कर दिए हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स है दोस्तों वो भी वेवर कर दिए गए हैं। केरला की बात करें, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, आरिफ जी यहाँ पे गवर्नर, पिनाराय विजयन जी सीएम, 144 विधानसभा, 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा की सीटें हैं। ओलम, रुशु, साबरमाला, स्वाति, थ्रिसूर, ये सारे काफी फेमस यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं। अलपुजा, कोलम बैकवाटर्स के लिए बहुत फेमस है, वेम्बनाथ और अस्थामुदी आपकी लेक बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा घेरा अभियान की घोषणा करी है? युवा घेरा अभियान की बात करें तो ये आपके समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है दोस्तों इसको लॉन्च किया गया, अखिलेश यादव जी के द्वारा, बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, 12 जनवरी आपको मालूम है नेशनल यूथ डे होता है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, साइकिल इनका सिंबल है। निम्नलिखित में से किस देश ने नियोम व्यवसायिक क्षेत्र में बिना कारों, सड़कों या कार्बन उत्सर्जन के शहर के विजन का अनावरण किया है? तो ना तो कोई कार होगी, ना कोई रोड होगी, ना कोई कार्बन इमिशन होगा, बहुत ही खतरनाक मॉडल है जो कि बनाया है। ओके, और ये सऊदी अरेबिया दोस्तों जिसने इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया है। लेटेस्ट मोहम्मद बिन सलमान ने फ्यूचर दोस्तों सऊदी अरेबिया का बताया है, ना तो कोई कार, ना कोई रोड, ना कोई कार्बन इमिशन। 170 किलोमीटर लॉन्ग डेवलपमेंट जिसको नाम दिया गया द लाइन, $500 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम होगा नियोम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी पुराना प्रोजेक्ट है लेकिन अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। प्लैंड क्रॉस बॉर्डर सिटी होगी सऊदी अरेबिया के अंदर, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज होगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी, 450 किलोमीटर का कोस्ट जो है रेड सी, वहां पे इसको बनाया जाएगा, 2025 तक कंप्लीट करवाने को लेकर बोला जा रहा है। सऊदी की बात करें तो सलमान जो है यहाँ पे अभी किंग है, कैपिटल रियाद और करेंसी रियाल है। निम्नलिखित में से कौन भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश होगा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें जो फोकस देश है वो इस बार कौन सा है? बांग्लादेश है, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करें शेख हसीना पीएम है, टका यहाँ पे करेंसी है और प्रेसिडेंट यहाँ पे अब्दुल हमीद है, ढाका यहाँ पे कैपिटल है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डैश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जो कि लॉन्च किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसके लिए? कोल माइंस के लिए दोस्तों, रिसेंटली लॉन्च है जो कि किया गया है। ओके गाइस, आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर नेशनल यूथ डे दोस्तों जो हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के ऊपर मनाया जाता है और दुनिया को, हमारे यूथ को मोटिवेट करने को लेकर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर शिकागो में 11 सितंबर 1893 को उन्होंने पार्टिसिपेट किया। रामकृष्ण परमहंस के दोस्तों भगत थे और रामकृष्ण मठ का इन्होंने फॉर्मेशन किया, मिशन भी दोस्तों इन्होंने चलाया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सौरव गांगुली की अनुपस्थिति में आईसीसी बोर्ड की बैठक के लिए बीसीसीआई के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है? तो आपको मालूम है आज के टाइम पे दोस्तों सौरव गांगुली के बाद में जो इंडियन क्रिकेट में जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है ना वो कौन है दोस्तों? जय शाह। ओके, बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर है, 100 सेंचुरीज मारी है, 1000 विकेट ले चुके हैं, 5000 कैच पकड़ चुके हैं, 10000 बार स्टंप कर चुके हैं। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जय शाह के बारे में बात करें, अमित शाह के बेटे हैं और बीसीसीआई के अभी दोस्तों आपको मालूम है सेक्रेटरी है।
ठीक है गाइस। तो अभी ये सौरव गांगुली की जगह आईसीसी बोर्ड के अंदर बीसीसीआई का दोस्तों प्रतिनिधित्व है जो कि करने वाले हैं। हाल ही में शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया, वह एक डैश थे। तो मधुसूदन जी की बात करें गाइस तो ये बहुत ही फेमस एक एस्ट्रो फिजिसिस्ट थे जिनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई। पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के अंदर इन्होंने काफी काम किया है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल। भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सिल्क की बात करें तो सिल्क के लिए दोस्तों कौन सा राज्य फेमस है? कर्नाटका। तो कर्नाटका आपका सही आंसर होगा, ये देख सकते हो आप। साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है? सभी को मालूम है बैडमिंटन है। हाटकी राजवंश किस देश में पनपा? हाटकी राजवंश जो पनपा था ना, ये आपके अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों पनपा था। ओके 1709 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे राइजोबियम दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजोबियम। संविधान के अनुसार व्यक्ति और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करेंगे इस तो आर्टिकल 21 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि होगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। विश्व में हमें नोबल संग्रहालय कहाँ मिल सकता है? नोबल म्यूजियम कहाँ पे मिलेगा? स्टॉकहोल्म के अंदर दोस्तों, स्वीडन में हमको देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रह नारंगी रंग का है जिस पर सफेद बैंड बने हुए हैं? तो ये कौन सा है बैंड बना वाला? अपना बृहस्पति यानी कि जुपिटर है दोस्तों। ठीक है गाइस। दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलियस। तो सी आपका सही आंसर होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करना कहाँ पे चाह रहा था, जो कि बाद में मना कर दिया गया? दौलताबाद। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। दौलताबाद, देवगिरी जो है ना, दौलताबाद कहते हैं उसको, दौलताबाद। तो वहां पे शिफ्ट करना चाह रहा था ताकि पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सके। चीन की दीवार के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार था? चीन की दीवार के निर्माण के लिए जिम्मेदार आदमी कौन था? किंग शी हुआ नाम का पर्सन था, जो कि बहुत ही जिम्मेदार आदमी था, जिसने दोस्तों 200 BC के अंदर पहला एम्परर था चाइना का, जिसने इतनी बड़ी दीवार है जो कि बनवा दी दोस्तों, है ना, चाइनीज एम्पायर को बॉर्डर को कंट्रोल करने को लेकर। ओके गाइस, साथ में एसएससी के बारे में आपको मालूम है 450 रुपए पर मंथ में। आप कंप्लीट सीएचएसएल की और आपके आने वाले जितने भी सीजीएल सभी एग्जाम की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। मेरी जीके की क्लासेस चल रही है, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश की भी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। 2-3 दिनों के अंदर इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हो रही है, तो पहली क्लास से ज्वाइन कर लीजिएगा। रेफरल कोड BUNESH10 लगा दो, BHU लगा दो, एक ही बात है, BHU10। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में गोल सेलेक्ट करिए। गोल सेलेक्ट करने के बाद में अपना यूपीएससी एसएससी बैंक आईआईटी वाईआईटी जो भी आपका गोल है, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे प्लस में सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे यूपीएससी के रेट लिखे हुए हैं, बाकी एसएससी के तो बहुत ही सस्ती है, 450 रुपए पर मंथ में आप पढ़ सकते हैं। नीचे रेफरल कोड पूछेगा तो BUNESH10 या फिर BHU10 लगा सकते हैं। यूपीएससी में फायदा यह आप लोगों के लिए कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर दोस्तों आपको यूपीएससी एग्जाम में पढ़ा रहे हैं, और आइकॉनिक कोर्सेज भी हैं जहां पे आपको मेंटोर भी मिलता है एक जबरदस्त प्रिपरेशन करने को लेकर। नीचे रेफरल कोड लगा ही सकते हैं, EMI का ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 डैश डैश तक मनाया जा रहा है, तो सड़क रोड सेफ्टी वीक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में, फिर 9:45 में मिलेंगे, और फिर हमारी स्पेशल क्लास में मिलेंगे सुबह 10 बजे। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, 5 घंटे बाद ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास है जो कि होने वाली। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।